दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बिहार संविदा कर्मियों से संबंधित हर एक खबर आपको यहाँ पर मिलती है और बिहार संविदा कर्मियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, बिहार में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में बड़ी तब्दीली आ गई है और बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। और तब्दीली आने के बाद लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि अब बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बिहार में मुख्यमंत्री ने एक ही दिन में इस्तीफा दिया और एक ही दिन में शपथ ले लिया और नीतीश कुमार ने फिर से सरकार गठन करके एक इतिहास रच दिया है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा एक ही दिन में त्यागपत्र देकर एक ही दिन में सरकार गठन कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। तो दोस्तों, बिहार जदयू के बड़े नेताओं की बैठक में जो घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार इसे बनाए हुए हैं, अब सवाल उठता है कि जो कर्मी संविदा पर नियोजित हैं उनका क्या होगा। तो बिहार के कुछ आउटसोर्स कर्मी अभी भी छूट गए हैं, अब उस दिशा में सरकार क्या करेगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं ने संविदा कर्मियों के संबंध में एक बड़ा फैसला दिया है और जदयू के बड़े नेताओं ने कह दिया कि संविदा कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिए जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और बताया कि इस मामले में सरकार का रवैया क्या होगा, सरकार का इस मामले में क्या रुख रहने वाला है। बहुत सारे नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया है। नई सरकार जो गठित हुई है उसमें संविदा पर नियोजित कर्मियों के हित में क्या रुख अपनाएगी और बिहार में चुनावी वर्ष में सरकार का रुख क्या रहने वाला है। तो बता दें कि अभी तक जो वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित हैं उनके लिए एनडीए दलों के वरीय नेताओं के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि बिहार सरकार की प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास वाली होगी और जो संविदा पर नियोजित कर्मी वेतन वृद्धि होने से छूट गए हैं उनका भी वेतन वृद्धि का प्रक्रिया अब शुरू होगा, क्योंकि बिहार में महज 9 मंत्री और मुख्यमंत्री अभी शपथ लिए हैं और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना भी बाकी है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना बाकी है और कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के लंबित मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि उन सभी कर्मियों का मामला जो है अंतिम चरण में था और वक्त पर सरकार जो है बदल गई। बिहार में अचानक राजनीतिक संकट आ गया और जिसके कारण ये हुआ कि सरकार चलाने में दिक्कतें आने लगी और इससे बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों को लेकर भी तरह तरह की परेशानियां सामने आ गई है। हालांकि बिहार में तख्ता पलट हो गया है, अब एक स्थिर सरकार का गठन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है और नई सरकार के संबंध में बताया जा रहा कि नई सरकार नई ऊर्जा के साथ जितने भी संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी दैनिक मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर और भी आगे बढ़ेगी और उनकी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही सब कुछ बताएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि किसी भी संविदा कर्मियों का उचित मानदेय वृद्धि अभी तक नहीं हो पाया और नई सरकार उन लोगों को भी प्राथमिकता देते हुए उनका वेतन वृद्धि निश्चित रूप से करेगी और अब एक नए स्तर से बिहार सरकार के समक्ष संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी की मांगों को लेकर सभी के द्वारा उपस्थित किया जाएगा और सरकार तक हम सभी की बातें पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, बिहार में नई सरकार का गठन होने के साथ ही संविदा पर नियोजित कर्मियों की उम्मीदें बिहार सरकार से एक बार फिर से लग गई है और आशा भरी निगाहों से संविदा कर्मी की नजरें बिहार सरकार पर टिकी हुई है। बता दें कि बिहार में जो नई सरकार का गठन किया गया है उसमें सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं और विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बने हैं और तमाम तरह के एनडीए के नेताओं ने मंत्रिमंडल में शपथ ले ली है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी धड़ाधड़ तरीके से निर्णय लिए जाएंगे और इसका प्रयास लगातार होगा। अभी नया गठबंधन तैयार किया गया है। इस सरकार से सरकार के तमाम संविदा कर्मी, नियोजित कर्मी, दैनिक कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी के लिए सरकार से काफी उम्मीदें हैं और बिहार के वरीय राजनीतिज्ञ अभी लगातार नई सरकार पर काम कर रहे और जो नई सरकार का गठन किया गया है इसमें कई बड़े नेताओं ने सहभागिता दी है। संविदा कर्मियों की मांगों को प्राथमिकता के तौर पर देखते हुए इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। नई सरकार में चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी सरीखे नेता भी मौजूद हैं और इन सभी ने सरकार में सहभागिता देने को लेकर ठान ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी कहा गया कि अभी नई सरकार गठन करने के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा जिसमें जदयू के और भी कुछ मंत्री बनेंगे और भाजपा के भी मंत्री बनेंगे। साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भी कुछ लोग मंत्री बनेंगे। नई सरकार का जो गठन किया गया है वह इसमें कहां तक सफल होते हैं और बिहार के संविदा कर्मियों को लेकर इसमें इस सरकार से क्या क्या लाभ होता है ये देखना होगा और बिहार के नई सरकार के गठन को लेकर जो आशा भरी नजरों से सभी संविदा कर्मी देख रहे वो कब तक पूरी होगी या फिर उनका इंतजार जो है और भी बढ़ जाएगा ये भी वक्त बताएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ चुका है और सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत बड़े फैसले संविदा कर्मी के हित में ले सकती है और लगातार अभी फैसले लिए जाएंगे। संविदा कर्मी के हित में भी कोई बड़ा फैसला होगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। संविदा कर्मियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।